वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है उस सभी के लिए जो ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं ई कॉमर्स पे, खास करके मीशो के लिए है ये वीडियो। जो विदाउट जीएसटी मीशो पे सेल करना चाहते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, क्योंकि विदाउट जीएसटी में क्राइटेरियाज है कि आप क्या क्या चीजें बेच सकते हो, क्या क्या चीजें नहीं बेच सकते। मुझे आइडिया नहीं था, मैंने मेरा अकाउंट बनाया रिसेंटली, मैं गैजेट सेल कर रहा हूँ, तो मैंने जितने भी प्रोडक्ट लिस्ट किए हैं सारे सबको ब्लॉक कर दिया गया है, सबको अकाउंट मतलब ब्लॉक टैब में डाल दिया। उसके लिए मैंने मेल भी किया मीशो को और उस पर रिप्लाई आता है कि आपके एक्सक्यूज ऐसे हैं ऐसे हैं, तो क्या क्या चेक कर लेते। मुझे भी आइडिया दिए तो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आप प्लान कर रहे हैं विदाउट जीएसटी सेल करने का तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। चलो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ क्या हुआ है। तो आप देख सकते हो जैसे कि ये मेरा होम पेज है, होम मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो मैं देख रहा था क्योंकि मेरे पास जीएसटी नहीं है तो मैं सोचा चलो इससे ट्राई करते हैं। तो आपको बिजनेस डैशबोर्ड पहले आपको बता देता हूं। सबसे पहले सी मेरे अपलोड्स पे जितने मैंने कैटलॉग्स अपलोड किए थे, आप व्यूज देख सकते हैं, 11,000 लोगों ने देखा है, 237 लोगों ने क्लिक किया है, 5 ऑर्डर आए थे। पर सच बताओ आपको 5 ऑर्डर में से अभी तक एक भी पिक नहीं हुआ है। आपको अभी दिखाता हूं कैसे। तो ये ऑर्डर्स में जाते हैं, ये देख सकते हैं, ये 4 ऑर्डर मेरे तरफ से कैंसिल कर दिया है। ये 4 ऑर्डर मैंने पैक करके रखा था रेडी करके कि पिकअप होगा, अम्ब्रेला है ये जो आजकल बॉटल अम्ब्रेला चल रहा है, तो मैंने पिक करके रखा मतलब पैक करके रखा था सारी चीजें कि पिक होगा, लेकिन कोई पिकअप के लिए मुझे कॉल नहीं आया। मैं इसके लिए मेल किया हूं फिर भी नहीं। आज फिर एक और मेरा कैंसिल हुआ है। सी रेडी टू शिप में 2 आइटम है, ये जो दिखा रहा है ब्रीस्ट, मतलब ये अभी कैंसिल हो चुका है मेरा, क्योंकि पिकअप के लिए ना मुझे कोई कॉल आ रहा है ना कोई मेल आ रहा है। अब मुझे डायरेक्ट बोलते हैं कि आपका कॉल नहीं लग रहा है, कुछ भी रीजन दे रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हो ये कल का मुझे पिकअप है, मतलब कल मैंने पिकअप पैक करके रख दिया, कल भी नहीं आएगा पिकअप के लिए। इसके लिए ना मेल कर रहा हूँ, कुछ भी कोई कॉल नहीं आ रहा मुझे, कस्टमर केयर से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो ये हो गया। अब आपको मैं दिखाता हूँ इन्वेंट्री में ब्लॉक्ड आइटम। सी मैंने क्या क्या अपलोड किया था, सारी चीजें आप देख सकते हो यहाँ पे, अम्ब्रेला ब्लॉक कर दिया है और उन लोगों ने ऑटोमेटिक कुछ अपडेट करके कुछ भी अम्ब्रेला अपडेट कर दिया है। ये मेरे पास नहीं है, ये पर्पल कलर, ये दिखाता हूं आपको, उनके साइड से अपडेट कर दिया। ये मैंने स्पीकर, कार वाला स्पीकर है, मैंने ये अपलोड किया था। स्पीकर क्या रीजन देते, प्लीज कॉन्टेक्ट सप्लायर सपोर्ट, मैंने कॉन्टेक्ट किया कोई हेल्प नहीं मिला मुझे। मैंने ये एयरपोर्ट्स भी अपलोड किया था तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट सप्लायर सपोर्ट बता रहे हैं। और ये देख सकते हो तो नॉन जीएसटी कैटेगरी में आई थिंक आप ये सब नहीं बेच सकते हो, लेकिन लिस्ट किया तो 4 दिन तक था ये, उसके बाद ऑटोमेटिक ब्लॉक कर दिया गया इसको। अम्ब्रेला देखो यहाँ पे ब्लॉक है और सेम चीज है यहाँ पे, देखो आप कैटलॉग्स में, सॉरी कैटलॉग्स बता रहा है, इन्वेंट्री में देखो यहाँ पे ब्लॉक में वही आइटम अम्ब्रेला है यहाँ पे, और ये देखिए एक्टिव भी अम्ब्रेला है, तो वहां पे ब्लॉक कर दिया यहाँ पे। ये देखो लगता है ये भी हटा दिया लोग ने, यहाँ पे देखिए नो कैटलॉग्स, आउट ऑफ स्टॉक कर दिया। मैंने आज दिन में क्वांटिटी अपडेट किया, देखिए ऑटोमेटिक ये हो रहा है, मैं कुछ नहीं किया इसमें, मैंने सब अपडेट किया था ऑटोमेटिक सब, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इन लोग क्या करना चाहते हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इसमें। तो आप नए सेलर्स हो, आपको प्रॉब्लम हो सकती है सब चीजों की। मैंने बहुत अच्छे से सब डिस्क्रिप्शन सब चीज लिखा था पहले, मैंने अगर सेल करना अलाउड नहीं होता तो मुझे ऑर्डर्स कैसे आते हैं यहाँ पे, राइट। ऑर्डर्स आने के बाद इन लोग ने क्या किया, ब्लॉक कर दिया है, बताओ वही चीजें ब्लॉक किया, देखो अम्ब्रेला, तो ऑर्डर्स भी आ रहे और ब्लॉक भी कर रहे हैं, डिसेबल कर दिया है, कस्टमर सप्लायर सपोर्ट को कांटेक्ट करने बोल रहे हैं। तो आप लोगों को ऐसा प्रॉब्लम हो सकती है, तो प्लीज जीएसटी है तो मेरे हिसाब से जीएसटी है तो ही आप सेल करें, वरना आपको बार बार ये सब चीजें फेस करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से सारे कैटलॉग्स अपलोड किए थे, डिस्क्रिप्शन बनाए थे, बहुत सारी चीजें की थी, लेकिन सब वेस्ट हो गया मेरा। देख सकते हो आप ब्लॉक टैब में 10 यूनिट्स है, एक्टिव 3 दिखा रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पता नहीं कहाँ गया सब। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि स्क्रीन पे सारे क्या क्या चीजें मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ विदाउट जीएसटी सेलर्स को, क्या क्या प्रॉब्लम, मतलब बहुत सारी चीजें आप बेच ही नहीं सकते, तो फिर बेचे क्या यार। कस्टमर रीच अच्छा खासा मेरा गया था, 11,000 व्यूज था मेरे मतलब पेजेस पे, जो भी मेरा स्टोर था मीशो पे जो भी मैंने अपलोड किया था। तो अब क्या करूं मैं, तो अब जीएसटी के बिना आप धंधा नहीं कर सकते हो, आपको करना है तो भाई शॉपिफाई पे स्टोर बनाओ, वहां के थ्रू एड रन करो, वहां से भी कुछ खास रिस्पांस नहीं है, आपको बहुत ऐड पे खर्चा करना पड़ता है तो ही आपको ऑर्डर्स मिलते हैं। जो बोलते हैं ना आज के स्टोर बनाओ बेचो, आपको एटलीस्ट ऐड पे पर डे का 1,000 रुपीज खर्चा करना पड़ेगा अगर शॉपिफाई पे भी आप सेल करना चाहते हो, तो जाके आपको कुछ सेल्स मिलेगा। 200 रुपया पर डे बजट लगाओ नहीं है, मैंने एक्सपीरियंस किया भाई, 200 रुपया मैंने 5 दिन चलाया, मैं सच बोलूं तो एक सेल आया था वो भी फेक ऑर्डर थे। तो ऑनलाइन आपको सेल करना शॉपिफाई के थ्रू आप कर सकते हो, लेकिन आपको एडसेंस पे ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, वही फेसबुक का एड रन करके, तो आप पैसे कर सकते हो।
अदरवाइज मुश्किल है करना। तो आपके पास जीएसटी है तो बेस्ट है, आप कहीं भी ट्राई करके सेल कर सकते हो। तो वीडियो जरा सा भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।